क्या गिरफ्तारी के डर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 22 से 24 अगस्त के लिए जोहान्सबर्ग में होने जा रही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नहीं गए? दरअसल पुतिन को 22 से 24 अगस्त को होने जा रहे इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। इस बात की जानकारी खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने महीनों की अटकलों को खत्म करते हुए दी। दक्षिण अफ्रीका के लिए पुतिन की संभावित यात्रा एक कुटिल राजनीतिक मुद्दा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी की तरफ से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। आईसीसी ने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर गैर कानूनी तरीके से यूक्रेनी बच्चों को निर्वासित करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर कार्रवाई चली है। हालांकि पुतिन के साउथ अफ्रीका ना जाने की स्थिति में उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरो जाएंगे। पुतिन भले ही वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन वह वर्चुअल माध्यम से इस बैठक से जुड़ेंगे। अब आखिर जानिए कि पुतिन की गिरफ्तारी करने का मामला क्या है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर पुतिन साउथ अफ्रीका में आयोजित होने जा रही ब्रिक्स सम्मेलन में जाते तो प्रोटोरिया को आईसीसी के सदस्य के रूप में होने के नाते पुतिन को गिरफ्तार करना पड़ता। इस मुद्दे पर अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के प्रवक्ता विसेंट ने एक बयान में कहा था कि आपसी सहमति से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सफल होने की उम्मीद दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह का वर्तमान अध्यक्ष है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन भी शामिल है। ब्रिक्स को बनाने का उद्देश्य विकासशील हो रही अर्थव्यवस्थाओं को साथ मिलाकर एक दूसरे के संग खड़ा करना था, जिससे आने वाले दौर में मजबूती से आर्थिक विकास हो सके। इससे जुड़े हुए कार्यक्रम ब्रिक्स के तमाम सदस्यों में होते रहते हैं, जो खुद को पश्चिमी आर्थिक वर्चस्व के रूप में देखते हैं। पुतिन को 22 से 24 अगस्त के बीच जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया था, लेकिन अफ्रीका पर उनकी मेजबानी ना करने के लिए भारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव देखने को मिला, जिसके बाद अब ये फैसला पुतिन की तरफ से लिया गया है कि वो फिजिकली इस बैठक में नहीं जाएंगे, उनकी जगह एक उनके मंत्री जाएंगे, लेकिन वर्चुअल रूप से वो इस बैठक में जुड़ेंगे। पुतिन भले ही वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो वर्चुअल माध्यम से तो जुड़ ही रहे हैं। तब एक बार फिर सवाल उठता है कि क्या पुतिन गिरफ्तारी के भय से दक्षिण अफ्रीका नहीं गए? क्या वाकई पुतिन इस कारण वहां ना जाने का फैसला ले रहे हैं? रूस और यूक्रेन के युद्ध के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ एकजुट होते हुए दिखाई दिए। भले ही युद्ध में भागीदारी नहीं रही, लेकिन गठबंधनों, अलग अलग संगठनों के माध्यम से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है। इसी कड़ी में रूसी राष्ट्रपति पर आरोप लगे कि यूक्रेन में बड़ी संख्या में बच्चे अवैध रूप से रूस ले जाए गए हैं। उन पर यूक्रेन में युद्ध अपराध के आरोप भी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस मामले को लेकर आईसीए गए थे। उनकी अपील ये रही कि इसमें अरेस्ट वारंट जारी हो, जिसे रूस ने खारिज कर दिया था। रूस ने कहा, क्योंकि हमारा देश इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता, इसलिए यह बेमतलब है। लेकिन आईसीसी का कानून यह भी कहता है कि अगर रूसी राष्ट्रपति इसके सदस्य देश में जाते हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है और मेजबान देश आईसीसी का मेंबर है, ऐसे में यह जोखिम होता कि अगर पुतिन वहां जाते तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। पर बात यह भी है कि बिना अंतर्राष्ट्रीय मदद के यह गिरफ्तारी कितनी संभव थी, क्योंकि आईसीसी के पास अपना कोई पुलिस बल तो है नहीं, वह अपने सदस्य देशों के पुलिस बल पर ही दबाव बनाता है। अब ऐसी स्थिति में बार बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुतिन दक्षिण अफ्रीका जाते तो गिरफ्तार कर लिए जाते, और अगर गिरफ्तार किए जाते तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ संभावनाएं बनती दिखती। यूक्रेन से युद्ध के बाद से ही लगातार पूरी दुनिया के नेता, दुनिया के देश पुतिन और रूस को अलग थलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई जगह अपील है कि उनके तेल को ना खरीदा जाए, उनके देश के संग आयात निर्यात ना किया जाए, और इन अपीलों का असर भी होता हुआ दिख रहा है। कोशिश दबाव बनाने की पुतिन पर दिखाई दे रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।